भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने तो भारत में सियासी बार पलटवार होने लगा। इस बीच बसपा सुप्रीमो बहन जी ने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अभी तक भारत का कोई भी बहुजन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचा है। बहन जी द्वारा किए गए ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बहन जी ने लिखा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहां कांग्रेस या बीजेपी में ट्विटर वार आरोप प्रत्यारोप व इधर उधर की बात जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक व इंसाफ की बातें नहीं की जा रही हैं, जिस कारण देश में अभी तक कोई बहुजन पीएम नहीं बन पाया है। बहन जी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि ऐसे समय जब अमेरिका व यूरोप के अमीर व विकसित देश जबरदस्त संकट के बुरे दौर से जूझ रहे हैं तथा स्थिति को संभालने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय हुक्मरानों को भी देश हित में यहाँ की जनता के भविष्य के लिए अपनी संकीर्ण एवं जातिवादी सोच को त्यागना ही होगा। बसपा सुप्रीमो ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए लिखा कि इसी क्रम में ये जांच जरूरी है कि बहुजन पिछड़े व उपेक्षितों का सच्चा हितैषी कौन। क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुलाकर उनके करोड़ों अनुयायियों का कोई असली हितैषी हो सकता है, जैसे श्री खड़गे सहित अन्य विरोधी नेतागण उनकी पार्टी की संकीर्ण सोच से मजबूर हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।